विजयदशमी के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के बड़े बुजुर्गों को एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही ऐतिहासिक भेंट दी है, और वो है कि देश के सभी नागरिक जो 70 बरस से बड़ी उम्र के हैं, वे सब इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, यानी आय के हिसाब से नहीं, फर्क नहीं पड़ता कि वो निचले वर्ग से हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है या वो मध्यम वर्गीय परिवार से, सबको आयुष्मान भारत योजना में लाभार्थी बनाया जाएगा। लेकिन बहुत ही दुख के साथ कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी वेदना व्यक्त करते हुए ये साझा करा कि देश के प्रधान सेवक वेस्ट बंगाल और दिल्ली के बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों राज्य सरकारें द्वेष की राजनीति करते हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहाना बनाया है दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना ना लागू करने के लिए। वो हमेशा अपने दिल्ली के हेल्थ मॉडल का बड़ा बखान करते हैं, तो उस हेल्थ मॉडल की कुछ वास्तविकता, कुछ सच्चाई आपके समक्ष रखना चाहूंगी। सितंबर 2023 को दिल्ली का एक नागरिक जिसको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत थी, उसने दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार से आर्थिक मदद मांगी, लेकिन उसकी गुहार किसी ने नहीं सुनी, इसलिए वो दिल्ली हाईकोर्ट जाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट उनकी उस याचिका को एक PIL में तब्दील करते हैं और वहां पर एक अमाइकस क्यूरी को अपॉइंट करते हैं, यानी कि एक कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर वहां पर बनाए जाते हैं। कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर ये कहते हैं, एक रिपोर्ट देते हैं, और दिल्ली में चल रही दिल्ली आरोग्य कोष योजना की सच्चाई दिखाते हैं। मैं उनकी रिपोर्ट के दो पैराग्राफ्स आपके समक्ष पढ़ के सुनाना चाहूंगी। वो बताते अपनी रिपोर्ट में कि किस तरह इस दिल्ली सरकार की योजना के लिए, आर्थिक सहायता के लिए, एक पेशेंट को किस तरह दर दर भटकना पड़ता है। इन द फैक्ट्स ऑफ द केस इट कैन बी सीन दैट द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर दिल्ली आरोग्य कोष स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली इज एक्सट्रीमली हरासिंग फॉर द पेशेंट, सिंस दे आर मेड टू रन फ्रॉम पिलो टू पोस्ट in order to obtain various certificates from various authorities even before they could submit their application to the patient welfare cell of Directorate of Health Services under the government of NCT of Delhi. The application form has to be accompanied by an income certificate issued by the concerned SDM and an estimate certificate, which includes 3 quotations from 3 different vendors of the required implants, whereafter the same needs to be signed by the treating doctors and countersigned by the head of the concerned department along with the medical superintendent of the hospital. इसी तरह आपको याद होगा कि इस particular केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह गंभीर स्थिति देखते हुए कमेटी का गठन करा था। मई में उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी, लेकिन कहते हैं ना, यदि नियत हो तो नियति भी बदलती है, पर माननीय अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी सरकार की काम करने की नियत ही नहीं है, इसलिए मई की दी हुई वो रिकमेंडेशंस आज तक उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करी, लागू नहीं करी। इसके अलावा एक दिल्ली सरकार का ही दस्तावेज आपके सामने रखती हूँ, यह है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली 2023-2024। कोई भी सरकार अगर एक दशक से यहां पर सत्ता भोग रही तो स्वाभाविक सी बात है आप उससे ये अपेक्षा करेंगे, खासकर कि अगर वो अपने हेल्थ मॉडल का बखान कर रही होगी, कि वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में दिल्ली के अस्पतालों में कुछ वृद्धि करेगी। लेकिन दिल्ली में एक दशक से एक नया अस्पताल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने खोला नहीं। यहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि तो छोड़िए, यहां पर तो घटौती हुई है। एक पन्ना आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी इस इकोनॉमिक सर्वे का। दिल्ली में अस्पताल 2015-16 में 94 थे, 2022-23 में
92 है, यानी घट गई संख्या। मटर्निटी होम्स जहां पर 265 थे 2015-16 में, वो घटकर 2022-23 में मात्र 124 रह गए हैं। नर्सिंग होम्स जहां पे 1057 थे 2015-16 में, वहां घटकर 2022-23 में मात्र 1040 रह गए हैं। यानी अस्पताल घटे, मटर्निटी होम्स घटे और नर्सिंग होम्स घटे। इसके अलावा यही रिपोर्ट, याद करिएगा, ये दिल्ली गवर्नमेंट का दस्तावेज है। ये दस्तावेज ये भी दिखाता है कि बेड्स अवेलेबल और जनसंख्या जो है इसकी रेशो क्या है। बेड्स इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड बेड पॉपुलेशन रेशियो इन दिल्ली फ्रॉम 2015-16 to 2022-23। 2015-16 में 2.73 थी ये रेशो, ये घटकर 2022-23 में 2.70 आ गई। अब हम बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक्स, उसका